इतना प्यारा बॉर्डर है इसका इतने कम प्राइस इतनी खूबसूरत साड़िया मीशो है तो पॉसिबल है सब वर्क हो रखा है बहुत ही खूबसूरत है इस तरह से पूरा बैठा हुआ काम मीशो की टॉप टेन साड़िया ट्रेंडिंग साड़ियां वो भी रेड कलर में इस साड़ी को आप बिल्कुल भी मत खरीदिएगा टोटली वेस्ट ऑफ मनी है हेलो फ्रेंड्स वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिशनल स्टाइलिश प्रियंका आज की वीडियो जो है करवा चौथ स्पेशल होने वाली है फेस्टिवल स्पेशल होने वाली है हैश टैग रेड कलर की साड़ी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ यूज कलेक्शन होने वाला है टोटल टेन साड़ियां मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ रेड कलर में सभी बहुत ही प्रिटी है फेस्टिवल के अकॉर्डिंग बहुत ही प्यारी साड़ियाँ हैं जिन्हें आप करवा चौथ में दिवाली में इवन आप दशहरा में भी इन्हें स्टाइल कर सकते हैं आने वाले वेडिंग फंक्शन में भी आप इन्हें स्टाइल कर सकते हैं बहुत ही प्रिटी कलेक्शन होने वाला है वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी फ्रेंड्स क्योंकि बहुत ज्यादा कलेक्शन है तो वीडियो को पूरा फुल वॉश करिएगा और सभी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी तो वहां क्लिक करके बाई कर सकते हैं बहुत ही सुपर अफोर्डेबल प्राइस में आज आज का का कलेक्शन कलेक्शन होने होने वाला वाला है 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 मीशो पे सेल चली रही है। और आज का मेरा पूरा जो है 800 के अंदर होने वाला है मतलब सभी पार्टी रेडी पीस होने वाली पार्टी वेयर साड़ियां लेकिन आठ सौ के अंदर आपको मिलने वाली है और हमेशा की तरह ऑनेस्ट रिव्यू देने वाली कि कौन सी साड़ी कैसी है उसकी लेंथ कितनी है उसकी चौड़ान कितनी है प्राइस के अकॉर्डिंग वर्थ इट है कि वेस्ट ऑफ मनी है लेनी चाहिए की नहीं लेनी चाहिए पूरा डिटेल में बताती हूँ चलिए फ्रेंड बहुत ही ज्यादा बातें नहीं करते नहीं तो वीडियो और भी लंबी हो जाएगी फटाफट से अपना हॉल वीडियो स्टार्ट करते हैं फर्स्ट जो साड़ी मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ बहुत ही प्रिटी है ये साड़ी ऐसी है इस तरह की एक साड़ी तो आपके वॉर्ड्रोक कलेक्शन में होनी ही चाहिए ये ट्रेडिशनल लुक देती है बहुत ही प्रिटी है बहुत ही खूबसूरत है बंदेज वक्त की साड़ी की मैं बात कर रही हूँ बहुत ही प्यारा सा रेड कलर है और इसका बॉर्डर ओ माई गॉड बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है आप इसका बॉर्डर देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा बॉर्डर है इसका बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है और काफी ब्रॉड सा बॉर्डर है इस पे पूरा सिक्वेंस जरी वक्त से एम्ब्रॉयडरी हो रखी है रेशम के धागे से भी वर्क है एक बार आप पास से इसका वर्क देखिए फ्रेंड्स इतना प्यारा वर्क हो रखा है बहुत ही खूबसूरत वर्क हो रखा है बहुत ही प्यारा है और इसका जो बंदेज प्रिंटिंग है वो भी बहुत ही खूबसूरत है जॉर्जेट का फैब्रिक है सॉफ्ट वाले जॉर्जेट का फैब्रिक है पूरी साड़ी में आपको जो है ये बॉर्डर की डिटेलिंग मिलेगी ये इसका आंचल पोर्शन है बहुत ही प्रेटी बॉर्डर बनाया गया बॉर्डर की वजह से ही जो है इसका लुक आप देखिए फ्रेंड कितना प्रिटी निकल के आ रहा है कितना खूबसूरत लग रहा है इसे तो आप एक बार जरूर ट्राई करिएगा आपको जरूर पसंद आने वाली है पूरी साड़ी में आपको ऐसे ही पूरी बंदेज प्रिंटिंग मिल जाती है और ये बॉर्डर वाली डिटेलिंग मिल जाती है फ्रंट में भी जहां हम नीचे के साइड में प्लेट्स बनाते हैं वहां पे भी देखिए इस तरह से बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है बॉर्डर आपको यहां तक मिलता है उसके बाद इतना दूर कपड़ा इन्होंने प्लेन रखा है तो ट्राइन में जो आपको क्लियर हो जाएगा फ्रेंड्स ये बॉर्डर कहां तक आने वाला है इस तरह की साड़ियां करवा चौथ हो या फिर दिवाली पूजा है आप उसमें पहनेंगे बहुत ही खूबसूरत लगेगी पार्टी फंक्शन में भी आप इसे कैरी कर सकते हैं वेडिंग फंक्शन में और इसका जो ब्लाउज है इन्होंने ग्रीन कलर का दिया है का ही ग्रीन कलर का इन्होंने ब्लाउज दिया हुआ है ब्लाउज का जो फैब्रिक है कॉटन सिल्क का फैब्रिक है ब्लाउज की क्वालिटी इन्होंने अच्छी रखी है और इसके नीचे भी आपको इस तरह से इतने चौड़े से बॉर्डर की रिटेलिंग मिल जाती है इसे पे या फिर बैक पे आप स्टाइल करवा सकते हैं इसकी जो प्राइस है सेवन हंड्रेड समथिंग में ये साड़ी है फुल पैसा वसूल मटेरियल है साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले विदाउट हील आराम से कैरी कर सकते हैं बहुत ही प्रिटी साड़ी है मेरी तरफ से हाईली रिकमेंडेड है आपको पसंद आएगी आप जरूर इसे परचेस करिए अगर आपको थोड़ी सी पसंद आती है तो मन में डाउट मत रखिए आप इसे आराम से परचेस कर सकते हैं क्वालिटी भी अच्छी है लेंथ एंड विथ भी बहुत ही अच्छी है पहना हुआ कैसा लग रहा है हमने ट्राई ऑन में देख लिया होगा ये साड़ी आपको कैसी लगी कमेंट डाउन जरूर करिएगा फ्रेंड्स अब चलिए फ्रेंड्स सब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी मतलब इसमें से मैक्सिमम साड़ियां ऐसी है ना जो की मुझे बहुत ही ज्यादा पसंद आई है तो ये बहुत ही प्रिटी साड़ी ये सिल्क पैटर्न में मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ पूरा विविंग का वर्क हो रखा है सबसे पहले मैं आपको इसका आंचल दिखाऊंगी बहुत ही प्रिटी साड़ी है ट्रस्ट मी गाइस मतलब आप खुद देखिए फ्रेंड्स ये इसका आंचल है बहुत ही सॉफ्ट सा फैब्रिक इन्होंने यूज किया गया पूरे आप साड़ी में देखिए फ्रेंड इस तरह से गोटा पट्टी वाली लेस की डिटेलिंग मिल जाती है पूरा फुल विविंग का वर्क है कुछ भी प्रिंटेड नहीं है पूरा मोर वाली डिटेलिंग इस पे बनी हुई है ब्लॉक ब्लॉक में इस तरह से मोर वाली डिटेलिंग आपको मिल जाती है इसका जो फैब्रिक है सिल्क का इतना सुपर सॉफ्ट लाइट वेटेड सिल्क का फैब्रिक यूज किया गया फैब्रिक की क्वालिटी जस्ट अमेजिंग है वाव क्वालिटी के साथ आपको मिलने वाला है और बीच बीच में आप देखिए फ्रेंड इस तरह से हॉर्जेंटल लाइनिंग में पूरी साड़ी में आपको इस तरह से डिजाइनर लुक की साड़ी आने वाली है मैं आपको इसके पीछे का भी विविंग का वर्क दिखा देती हूँ देखिए फ्रेंड इस तरह से पीछे इसमें विविंग का वर्क हो रखा है कुछ भी मैस नहीं है ऐसा नहीं है कि मैस हो रखा है और क्वालिटी नहीं अच्छी क्वालिटी सुपर रखी है इन्होंने इतने अफोर्डेबल प्राइस में मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा था कि सिक्स समथिंग या सेवन समथिंग में ये साड़ी है और इतनी ब्यूटीफुल है इतनी खूबसूरत है पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लग रहा था आप इसे जरूर से ट्राई करिएगा इसमें एक दो कलर ऑप्शन और भी अगर आपको दूसरा कलर ऑप्शन पसंद आता तो आप दूसरा कलर ऑप्शन भी पिक कर सकते हैं मैंने इसमें एक टेल ब्लू कलर भी आपको दिखाया था ग्रीन से थोड़ा सा मिलता जुलता कलर जो होता है जिस कलर की मैंने इस समय सूट पहना हुआ है सेम इसी कलर का था वो साड़ी भी मस्त आपको बहुत ही पसंद आई थी तो उसी में की मैंने ये रेड वाली भी साड़ी मंगा ली पूरी साड़ी में आपको वर्क मिलेगा इतना सॉफ्ट वाला फेब्रिक है ना लुक इसका हैवी आता है इतनी सॉफ्ट है और इतनी लाइट वेटेड है इतनी कंफर्टेबल ये साड़ी है ना कि आप दिन भर इसे आराम से कैरी कर सकते हैं किसी भी फेस्टिवल में इसे पहन सकते हैं आपको बिल्कुल भी प्रॉब्लम नहीं होगी कि, कि मैंने साड़ी डाली हुई है और मुझे काम करने में दिक्कत हो रही है इतना सॉफ्ट मटेरियल है एकदम बॉडी को हक कर लेता है बहुत ही खूबसूरत सा लुक निकल के आता है ट्रायन में आपको इसका लुक क्लियर हो जाएगा पूरा लास्ट एंड तक पूरा लास्ट एंड तक आपको पूरा फुल विविंग का वर्क मिलने वाला है और ये है इसका ब्लाउज ब्लाउज पूरा हैवी ब्लाउज आपको मिलने वाला है आप देखिये फ्रेंड ऊपर के आपको ये स्लीव वाला पोर्शन मिल जाता है पूरा विविंग का काम है कुछ भी प्रिंटेड नहीं है स्लीव के लिए इन्होंने दिया हुआ है और ये दिया हुआ है इन्होंने फ्रंट एंड बैक के लिए ब्लाउज पे इस तरह से डिजाइनिंग की हुई है पूरा पूरा फुल भरा हुआ ब्लाउज बनने वाला है बनने के बाद इसका लुक बहुत ही प्रिटी आएगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा बहुत ही प्रिटी साड़ी मेरी तरफ से हाईली 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 रिकमेंडेड अगर आपको पसंद आ रही है तो फटाफट से आप इसे परचेज कर सकते हैं साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है साड़ी जो चौड़ान है फाइव फिट सेवन इंच वाले विदाउट हील आराम से कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं हो लिंक आपको मिलेगी इसकी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अब चलिए फ्रेंड अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ही प्रिटी होने वाली है एकदम डार्केस्ट रानी कलर है मतलब रेडिश रानी कलर है ये बहुत ही प्रिटी साड़ी ये भी इसका बॉर्डर आप देखिए फ्रेंड्स कितना प्यारा बॉर्डर है पूरा सीक्वेंस एंड जरी वर्क से वाला बॉर्डर आपको मिलता है रेशम के भी धागे का काम हो रखा है इस पे इस तरह से बहुत ही छोटे छोटे इसमें सीक्वेंस की डिटेलिंग आपको मिल जाती है बहुत ही प्यारा बॉर्डर बनाया है इन्होंने और पूरी साड़ी में आपको ये छोटी छोटी बूटिया भी मिल जाती है इस तरह से है इस तरह से ये पूरा आंचल का फैब्रिक है बहुत ही प्यारा लग रहा है बहुत ही अच्छा काम हो रखा है इस साड़ी पे इसका कलर भी बहुत ही प्यारा है ना ही एकदम रेड है ना ही रानी कलर है मतलब उन दोनों का मिक्स कलर है और बहुत ही अच्छा सा कलर निकल के आ रहा है जो कि बहुत प्यारा लग रहा है पूरी साड़ी में आपको ये वर्क मिलने वाला है इस तरह से और इसका जो फैब्रिक है, है, है।, है पूरी साड़ी में बूटियों के साइड में आपको लेस वाली डिटेलिंग मिल जाती है इस तरह से पूरा इन्होंने इसमें साड़ी पे वर्क किया हुआ है बहुत ही प्रिटी साड़ी है पहना हुआ बहुत ही खूबसूरत लगता है साड़ी की लेंथ इन्होंने काफी अच्छी रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सिक्स इंच वाले जो है विदाउट ही कैरी कर पाएंगे नीचे के साइड में देखिए फ्रेंड्स यहाँ तक इन्होंने यह बॉर्डर दिया सिर्फ और उसके बाद जो इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन दिया है उसके बाद से ये इसका ब्लाउज है ब्लाउज इसका इन्होंने हैवी लुक दिया हुआ है पूरा एम्ब्रॉयडर्ड आएगा इस तरह से स्लीव के लिए एम्ब्रॉयडरी है ये फिर उसके बाद ये फ्रंट के लिए इन्होंने इस तरह से एम्ब्रॉयडरी बनाई है और ये स्लीव के लिए बैक के लिए या फिर आप इसे बैक में कर सकते हैं और एक साइड के लिए इन्होंने प्लेन फैब्रिक दिया कॉटन सिल्क का फैब्रिक है फैब्रिक की क्वालिटी इन्होंने अच्छी रखी है साड़ी की जो प्राइस है सिक्स समथिंग में ये साड़ी मिलने वाली है फुल पैसा वसूल मटेरियल है बहुत ही प्यारी साड़ी है पहना

रखा है इस पर एकदम सॉफ्ट वाली एम्ब्रॉयडरी है ऐसा नहीं है कि हाँ, जरी के धागे से तो बहुत ही हार्ड सा फील आएगा आपको पूरा आप आप बैठा हुआ काम आपको आंचल आप में यह इसका आंचल पोर्शन है आंचल में आपको इस तरह से थोड़ी थोड़ी दूर पे टेसल्स मिल जाते हैं पूरी साड़ी में आपको छोटी छोटी बूटियां मिलती है और पूरा इसमें ना गोल्डन कलर के स्टोन चिपकाए गए हैं जो कि मुझे काफी पसंद आया है बहुत ही प्यारा लग रहा है पहना बहुत ही खूबसूरत लगता है बस इसका ये ब्राइट जो जरी वर्क है वो आप ध्यान रखेगा बहुत से लोगों को इतना गोल्डन या इतना ब्राइट कलर नहीं पसंद आता है बहुत से लोगों को बहुत ही ज्यादा पसंद आता है इस तरह से पूरी साड़ी इस साड़ी को भी भी आप किसी भी फेस्टिवल में स्टाइल करेंगे ना बहुत ही प्रिटी निकल के आएगी बहुत ही खूबसूरत लगेगा और सुपर अफोर्डेबल प्राइस में सिक्स हंड्रेड समथिंग में आपको ये साड़ी मिल जाती है और जॉर्जेट का फेब्रिक है फेब्रिक की क्वालिटी काफी अच्छी है और उसके बाद जहां पे हम कमर के साइड में जहाँ प्लीट्स बनाते हैं उसमें हाफ एंड हाफ में आपको ये एम्ब्रॉयडरी मिल जाती है नीचे के साइड में आपको ये बॉर्डर मिल जाता है

हो रखी होती तो ये ज्यादा अच्छा लगता वैसे रेड कलर की साड़ी के सबके पास रेड कलर का ब्लाउज होता ही होता है या ग्रीन कलर ये दोनों कलर काफी कॉमन है इन दोनों ही कलर के साथ ये साड़ी बहुत ही प्रिटी लगने वाली है बहुत ही खूबसूरत लगने वाली है चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट नेक्स्ट साड़ी नेक साड़ी की भी काफी हैिटी होने वाली है ये है बनारसी सिल्क पैटर्न पे होने वाली है आ, बहुत ही हैवी सा लुक निकल के आने वाला इस तरह से ये साड़ी होने वाली है बहुत ही प्रिटी कलर है कलर कंट्रास्ट बहुत ही अच्छा मतलब इस मरून कलर पे ना ये गोल्डन वर्क जो हो रखा है वो बहुत ही प्यारा लग रहा है सबसे पहले मैं आपको इसका आंचल पोर्शन दिखाऊंगी और ये है इसका आंचल आप देखिए फ्रेंड्स कितना हैवी वर्क हो रखा है जिससे लगेगा पूरा गोल्डन वर्क हो रखा है इस तरह से पूरा हैवी हेवींग का वर्क मिल जाता है मैं आपको बैक साइड से भी दिखाती हूँ बैक साइड से देखिए इस तरह से का काम है डबल बिनाई का काम किया है कुछ भी धागा मैस या निकलने वाला नहीं है पूरा डबल बिनाई का वर्क हो रखा है इस पूरी साड़ी पे और मैं यहाँ पे एक बात आपको बताना चाहती हूँ फ्रेंड जहां पे भी ये जरी वर्क का काम है ना जैसे बॉर्डर में है आंचल में है ये ना काफी मतलब हार्ड सा फील हो रहा है लेकिन जो साड़ी का फैब्रिक है है वो बहुत ही ज्यादा सॉफ्ट लेकिन ये थोड़ा सा आपको हार्ड फील होगा एकदम थोड़ा सा कड़क कड़क टाइप का है लेकिन ये बहुत ही प्रिटी डिजाइन बनाएगी इस तरह से पूरी साड़ी में आपको ये बूटियां मिलती है नीचे के साइड में आप देखिए फ्रंट इतना ब्रॉड ब्रॉड बूटियां मिलती है उसके बाद ब्रॉड सा बॉर्डर की डिटेलिंग आपको मिल जाती है बहुत ही प्रिटी साड़ी है नो डाउट लुक की बात की जाए तो बहुत ही अच्छी है लेकिन ना पहनने में ये थोड़ी सी चुभ रही थी इसलिए मतलब ऐसा नहीं कि इसका जरी वर्क चुभ रहा था ये ना थोड़ा सा हार्ड इन्होंने बनाया है तो कमर के पास टक इन करने में ये चुभ रही थी तो मुझे ये नहीं समझाया कि इतना ज्यादा हार्ड क्यों बना दिया इन्होंने बाकी साड़ी बहुत ही सुंदर है कोई भी इसमें कमी नहीं है इस साड़ी की भी जो प्राइस है सिक्स हंड्रेड समथिंग में ये साड़ी है बहुत ही प्रिटी साड़ी है नो डाउट लेकिन इसकी हार्डनेस की वजह से ही जो है मैं आपको इस साड़ी को लेने से मना करूंगी या फिर आपको इतनी हार्ड

एकदम वो कहते हैं ना जिसमें कड़कपन थोड़ा सा होता है उस टाइप वाला आपको बॉर्डर मिलने वाला साड़ी की लेंथ बहुत ही अच्छी है साड़ी जो चौड़ाह है फाइव फिट सेवन इंच वाले भी हील के साथ आराम से कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी इसकी चौड़ान बहुत ही ज्यादा अच्छी है मुझे लगता है जिनकी भी हाइट अगर एट या फाइव के क्रॉस होगी तो वो इतना इतना टक इन कर लेंगे बहुत ही आराम से आ, मैं खुद इसे इतना इतना आराम से टक इन कर ले रही थी ऐसी कोई बात नहीं है अब चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी भी बहुत ही प्रिटी शिफॉन फैब्रिक में होने वाली है शुरू करेंगे इसके आंचल पोर्सन से ये है इसका आंचल बहुत ही प्रिटीज पे बेल बनाई गई है एम्ब्रॉयडरी किया गया है बहुत ही प्यारा है आप इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क एक बार पास से देखें फ्रेंड इस तरह से इस पर एम्ब्रॉयडरी वर्क किया गया बहुत ही खूबसूरत लग रहा है इसका एम्ब्रॉयडरी वर्क एकदम नीट एंड क्लीन काम किया गया है बैठा हुआ वर्क है और इस तरह से पूरी साड़ी में आपको ये छोटी छोटी बूटियां मिल जाती है साड़ी जो है ना सेल्फ डिजाइनिंग वाली है लाइनिंग लाइनिंग इसमें डिजाइनिंग बनी हुई है पूरी साड़ी में इस तरह से सेल्फ डिजाइनिंग की गई है लुक इसका भी काफी प्रटी आ रहा था और इस साड़ी का जो रेड कलर है ना एकदम ब्लैड रेड कलर है ब्लड रेड कलर है जो की बहुत ही खूबसूरत लगता है बहुत ही प्यारा निकल के आता है पहना हुआ काफी खूबसूरत लग रहा था ऑन में देख सकते हैं फ्रेंड्स साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी है साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट फाइव इंच वाले ही आराम से कैरी कर सकते हैं तो नीचे के साइड में भी आपको इस तरह से पूरी एम्ब्रॉयडरी एंड बॉर्डर की, की प्लेन रखा है इसी में ब्लाउज इन है तो उसके बाद यहाँ तक तो ब्लाउज ही है ब्लाउज का कपड़ा कट करवा देंगे तो सिर्फ इतना दूर सिर्फ इतना दूर कपड़ा प्लेन है और ये है इसका ब्लाउज ब्लाउज पे पूरा आपको एम्ब्रॉयडर्ड ब्लाउज मिलेगा इन्होंने एक ब्लाउज के लिए फ्रंट पार्ट के लिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी की हुई है तो आप फ्रंट में या बैक में इसे लगवा सकते हैं पूरा प्लेन दिया हुआ है तो जितने भी ब्लाउज के कपड़े की आपको नीट है वहां से तक आप इसे कट करवा सकते हैं और आराम से अपना ब्लाउज स्टिच करवा सकते हैं चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की बहुत ही प्रीठी साड़ी ये भी है ये है ये साड़ी इसका आंचल बहुत ही प्रिटी सा बॉर्डर बनाया गया है और पूरी साड़ी में आपको सिरोसकी वाले स्टोन का वर्क मिलता है आप इसका बॉर्डर देखिए फिर बहुत ही प्रिटी बॉर्डर है कटवर के स्टाइल में बॉर्डर मिलता है और पूरा जरी वर्क से एम्ब्रॉयडरी है रेशम के थ्रेड से भी इसमें एम्ब्रॉयडरी आपको मिल जाएगी बहुत ही प्यारा सा वर्क हो रखा है बहुत ही खूबसूरत है इस तरह से पूरा बैठा हुआ काम है और इतना सॉफ्ट एम्ब्रॉयडरी की गई है ना मतलब एकदम मुठ्ठी में आने वाली एम्ब्रॉयडरी की गई है ऐसा नहीं कि जरी वर्क से एम्ब्रॉयडरी की गई है तो एकदम कड़क सा है और बॉर्डर वैसा है बहुत ही सॉफ्ट मटेरियल है बहुत ही सॉफ्ट है मैं आपको इसे बैक से भी दिखाती हूँ इस तरह से इस इसमें पूरी एम्ब्रॉयडरी की गई है बहुत ही प्रिटी एम्ब्रॉयडरी की के, कट वर्क स्टाइल में आपको बॉर्डर मिल जाता है और ये साड़ी में जो आपको पूरे में आपको इस तरह से सिरोस की वर्क मिलता है पहना हुआ काफी खूबसूरत लगने वाला है इस तरह से पूरा इस इसे आपको सिरोस की वर्क इसमें मिल जाता है बहुत ही प्रिटी लग रहा है इसका जो गोल्डन जरी वर्क का काम है अगेन इस वाली भी साड़ी में जो है एकदम ब्राइट गोल्डन जरी वर्क का काम है वो डल वाले गोल्डन जरी का वर्क नहीं एकदम येलोइश वाला जो गोल्डन जरी का वर्क होता है वही वाला वर्क किया गया है और इसका जो रेड कलर एकदम खुला वाला रेड कलर है ब्लड रेड कलर नहीं है इस तरह से आपको रेड कलर मिलता है इसमें जो वाइट कलर के सिरोस्की वाले स्टोन का वर्क हो रखा है मैंने ये कभी आपको साड़ी दिखाई थी जिसमें गोल्डन येलो कलर का ही स्टोन लगा था लेकिन इस आपको सिल्वर कलर का स्टोन की डिटेलिंग मिल जाती है कटवर्क स्टाइल वाली है तो साड़ी में इस तरह से आपको एक लास्ट एंड पे ऐसा दिखता है लेकिन इन्होंने आंच दिखा के इसे सील किया हुआ है थ्रेड नहीं निकलेगा पूरी साड़ी में आप नीचे देखे फ्रेंड इस तरह से आपको सिरोसकी वर्क मिल जाता है बॉर्डर की डिटेलिंग मिल जाती है इसका जो फैब्रिक है ना सिल्क कैंड का फैब्रिक फैब्रिक है प्राइस uh, के अकॉर्डिंग इन्होंने फैब्रिक की क्वालिटी ठीक रखी ना ही बहुत ही अच्छी ना ही चीप क्वालिटी है बीच की क्वालिटी आपको मिलती है इस साड़ी में इस तरह से पूरी साड़ी में आपको ये वर्क मिलने वाला है नीचे के साइड में अब देखिए फ्रेंड्स पूरा यहां तक आपको स्टोन वर्क की डिटेलिंग मिलती है इस तरह से और इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन रखा है इसी में ब्लाउज भी इन है ब्लाउज आपको एम्ब्रॉयडेड ब्लाउज मिलता है स्लीव के लिए और इन्होंने फ्रंट या बैक के लिए इस तरह से एम्ब्रॉयडरी वाली डिटेलिंग दे रखी है इस तरह से तो ब्लाउज बनने के साथ इस, इसका लुक काफी अच्छा आएगा आप चाहे इसके साथ ग्रीन कलर का ब्लाउज कैरी कर सकते हैं कंट्रास्ट लुक के लिए नहीं तो फिर आप रेड कलर का भी ब्लाउज इसके साथ कैरी कर सकते हैं वो भी बहुत ही प्रिटी जाएगा बहुत ही खूबसूरत लगेगा तो इस साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट फाइव इंच वाले ही बस आराम से कैरी कर सकते हैं कटवर्क स्टाइल वाली साड़ियाँ जो होती हैं कटिंग वाली जो नीचे और ऊपर से दोनों तरफ से कटिंग होती हैं उनकी विथ जो होती है उनकी जो चौड़ान होती है थोड़ी सी कम होती ही होती है चलिए फ्रेंड्स अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की नेक्स्ट साड़ी जैसा कि मैंने आपको बताया था कि हैश रेड कलर की साड़ियाँ मैं आपसे शेयर करने वाली हूँ लेकिन ये रानी पिंक कलर की मैं आपसे शेयर करने वाली इसमें भी मैंने रेड कलर ही ऑर्डर किया था लेकिन मुझे मिला है है ये पिंक कलर कलर टोटली डिफरेंट आया है। आ, अब मैं इसे रिटर्न कर दूंगी इस तरह से पूरा टोटली डिफरेंट प्रोडक्ट मिलेगा और ये आंचल पोर्शन आपको मिलने वाला लहरिया वाला पैटर्न है बॉर्डर इसका कटवर्क स्टाइल में आपको लेस वाली डिटेलिंग लगाई जिससे पूरा सिक्वेंस एंड मल्टी कलर के थ्रेड से एम्ब्रॉयडरी है पूरी साड़ी में आपको इस तरह वाली लेस वाली डिटेलिंग मिल जाती है इस तरह से लेस वाली डिटेलिंग बनाई गई है जिसमें पूरा सिकवेंस का काम है पूरा सीक्वेंस का वर्क एक बार आप पास से देखिए फ्रेंड्स इसका बॉर्डर इस तरह से पूरी साड़ी में आपको इस तरह से लहरिया पैटर्न मिलता है जिसमें जो है बीच बीच में ग्रीन येलो एंड ऑरेंज कलर के यूज किया गया है पूरी साड़ी आपको ऐसे ही मिलने वाली इस तरह से बॉर्डर के साथ साड़ी का जो फेब्रिक है शिफोन काइंड का, का फेब्रिक है फेब्रिक की क्वालिटी अच्छी रखी है इस तरह से पूरी साड़ी में आपको एम्ब्रॉयडरी वाली डिटेलिंग मिलती है साड़ी की लेंथ इन्होंने अच्छी रखी साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट फाइव इंच वाले ही एकदम आराम से कैरी कर पाएंगे और यहां तक जो आपको ये बॉर्डर मिलता है उसके बाद से इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन रखा है और ब्लाउज के लिए इन्होंने कॉटन सिल्क का फैब्रिक दिया है ब्लाउज का जो फैब्रिक है वो मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद आया है है अजीब सा 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 थोड़ा सा कड़क कड़क सा फैब्रिक है और ये है इसका बॉर्डर तो इसके साथ आप कोई भी कंट्रास्ट ब्लाउज कैरी कर सकते हैं पिंक कर सकते हैं आ, या फिर आप ग्रीन कलर कर सकते हैं ऑरेंज कर सकते हैं धानी कलर का ब्लाउज इसके साथ आप कंट्रास्ट पेयर कर सकते हैं बहुत ही अच्छा लगेगा प्राइस इसकी जो है सिक्स समथिंग आपको ये साड़ी मिल जाती है सभी की डिटेल आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिलेगी अगर फ्रेंड्स आपने यहाँ तक वीडियो देख रहे हैं फ्रेंड्स तो तो प्लीज प्लीज अगर वीडियो थोड़ी सी पसंद आती है है हेल्पफुल लगती तो सब्सक्राइब करके जाइएगा और चैनल वीडियो को लाइक जरूर करिएगा अब बात करते हैं नेक्स्ट साड़ी की ये साड़ी तो मतलब बहुत ही प्रिटी है करवा चौथ हो दिवाली हो या फिर दशहरा हो मतलब कोई भी फेस्टिवल सीजन हो या फिर वेडिंग पार्टी फंक्शन हो ये साड़ी हमेशा ही मस्त लगने वाली एकदम प्लेन साड़ी है सिर्फ बॉर्डर वाली डिटेलिंग मिलती है बॉर्डर बहुत ही खूबसूरत है पूरा एलिफेंट बने हुए हैं पे और बहुत ही ब्राइट वाले गोल्डन जरी का यूज किया गया है थोड़ा थोड़ा सा बीच में ग्रीन कलर का भी यूज किया गया है पाइपिंग के लिए इस तरह से पूरी इस पे एम्ब्रॉयडरी मिलती है आप देखिए इसका बॉर्डर कितना प्यारा बॉर्डर बनाया गया बहुत ही खूबसूरत बॉर्डर है और सेटन के सिल्क का फैब्रिक मिलता है आपको सॉफ्ट वाला सेटन सिल्क का फैब्रिक है वो एकदम चीप वाला सेटन सिल्क का फैब्रिक नहीं है पूरी साड़ी में आपको ये बॉर्डर मिलता है ऊपर एंड नीचे के साइड में और इतना सॉफ्ट इतना प्यारा इसका कलर है ना मरून कलर ब्लड ब्लड मरून कलर इसका जो कलर है बहुत ही खूबसूरत निकल के आता है पहना हुआ बहुत ही प्यारा लगता है इसके साथ जो है आप ग्रीन कलर का, का कंट्रास्ट ब्लाउज भी कैरी कर सकते हैं या फिर इसके साथ जो इन्होंने ब्लाउज दिया वो भी कैरी कर सकते हैं बहुत ही सॉफ्ट है लाइट वेटेड है आप आराम से दिन भर कैरी कर सकते हैं यहां तक आपको बॉर्डर मिलता है उसके बाद इतना दूर इन्होंने कपड़ा प्लेन रखा है आपको ट्राई ऑन में क्लियर हो जाएगा कि बॉर्डर कहाँ तक आने वाला और ये इसका है ब्लाउज का

तरह की साड़ी पहनी थी सिल्क पैटर्न पे जाहिर सी बात है वो बहुत ही कॉस्टली थी ये बहुत ही सस्ती है आज के काल में मुझे लगता है सबसे सस्ती साड़ी यही ही है और इस पे आपको इस तरह से जो है आप देखिए फ्रेंड्स इस पूरा विविंग का काम है चांद और जैसे तारे जैसा सिंबल बनाया गया है चलिए मैं आपको सबसे पहले इसका आंचल दिखाती हूँ और ये है इसका आंचल बहुत ही पूरा एकदम गोल्डन जरी वर्क से इसका काम भरा हुआ है इसमें पूरा वर्क आपको विविंग का वर्क मिलने वाला है इस तरह से वर्क किया गया है और बॉर्डर पे भी वर्क मिलता है इसका जो फैब्रिक है सिल्क काइंड का फैब्रिक है आप देखिए फ्रेंड इस तरह से इस पे आपको विविंग का वर्क मिल जाता है मैं आपको बैक से भी इसका वर्क दिखा देती हूँ आप देखिए फ्रेंड इस तरह से वर्क की डिटेलिंग हो रखी है साड़ी का जो कलर है बहुत ही प्यारा कलर इन्होंने पिक किया है बहुत ही खूबसूरत कलर है पूरी साड़ी में आपको ये वर्क मिलने वाला है कहीं भी खाली नहीं मिलने वाला है पूरा लास्ट एंड तक पूरी साड़ी में आपको ये वर्क मिल जाएगा इस तरह से ये पूरी साड़ी में ये वर्क हो रखा है और यहां से जो है इन्होंने इस तरह से हॉरिजेंटल लाइन वाली ये साड़ी अंदर का जो पासा होता है वो है 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 और में क्लियर हो जाएगा कि ये 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 तक आने वाला है। उसके बाद से 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 नजर आ रहा यहां से ये का है, इस तरह से इन्होंने ये दिया हुआ है लेकिन इस साड़ी को बिल्कुल भी मत परचे करिएगा प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी अच्छी है प्राइस के अकॉर्डिंग साड़ी की क्वालिटी भी उन्होंने अच्छी रखी लेकिन ये जो किनारा होता है बनारसी सिल्क में ना जिसे आँच दिखा के सील किया जाता है इतना चुभ रहा है इतना शार्प पेजेस है ना मतलब इसके शार्प पेजेस की वजह से एम्ब्रॉयडरी भी खराब हो रही है जहां पे भी लग रहा है वो शार्पेजेस जो विविंग का वर्क है उसको खराब कर रहा है तो इसका जो ना ये चीज है ना एकदम इसमें हाथ भी आप स्मूथली नहीं रन करा पाएंगे हाथ कट जाएगा आपका और बहुत ही अच्छे से नीट एंड क्लीन काम नहीं किया गया नहीं तो बनारसी सिल्क वाले में हल्का सा आँच दिखाते हैं ताकि रेशम उसमें से निकले ना और इस तरह से ये वर्क किया गया है और इस साड़ी को मैं आपको बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करने वाली तो बॉडी है भी नहीं हो रही थी फूली फूली नजर आ रही थी और ये जो कड़कपन है ना वो तो मतलब बियरेबल नहीं है बहुत ही अजीब सा फील होता है अच्छा नहीं फील होता है इसलिए मैं इस साड़ी को आपको रिकमेंड नहीं करने वाली हूँ लेकिन लेंथ इन्होंने अच्छी रखी साड़ी की जो चौड़ान है फाइव फिट सेवन इंच सबके एकदम आराम से कैरी कर सकते हैं कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी लेकिन फिर भी इस साड़ी को मत लीजिएगा फ्रेंड्स आपको दिक्कत लगेगी क्योंकि इसका जो किनारा है वो काफी चुभ रहा है जब आप तो हाथ पे भी पल्ला देंगे तो यहाँ पे भी चुकेगा जहां भी छुएंगे आप वो चुभने ही वाला है दोस्तों यही तो मेरा आज का मीशो कर टॉप ट्रेंडिंग टेन साड़ियां करवा चौथ के लिए फेस्टिवल के लिए दिवाली के लिए आई होप आपको जरूर पसंद आएगी वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक चैनल तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा मैं मिलती हूँ एक और नए इंटरेस्ट वीडियो के साथ तब तक खुश रहिए मस्त रहिए बाय बाय टेक केयर